धाम धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आज ईस्वी सन के अनुसार 2021 समाप्त हो करके 2022 का पहला दिन नए साल के रूप में, नए वर्ष के रूप में लगभग सारा विश्व मना रहा है। हमारे भारतवर्ष में इसके अंदर रहने वाले जो भारतवासी हैं उनमें भी इस प्रकार के कई सारे ऐसे संवत हैं, जैसे ये ईस्वी सन है, विक्रमी संवत है, हिजरी सन है, बुद्धजी साका है और भी अन्य मतपंथ वाले बहुत सारे हैं। जैसे गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन से नया वर्ष मनाया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम भारतवासी हैं, हमारा देश भारत है और जो हमारी मूल सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, ऋषियों की जो परंपराएं हैं जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, उसकी एक संवत है, विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। और इस परंपरा के अनुरूप दिन की शुरुआत होती है सूरज के पौ फटते ही। ब्रह्म मुहूर्त के समय से दिन का प्रारंभ माना जाता है, रात्रि के 12 बजे, जैसे ये ईस्वी सन के अनुरूप रात्रि के 12 बजे तारीख परिवर्तन हो जाती है, डेट बदल जाता है, क्योंकि दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर पूरा हुए बिना तो एक दिन पूरा कैसे हुआ? तो सवेरे से ही दिन का प्रारंभ होता है और 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। इसीलिए हमने ये दिन का प्रारंभ सुबह से ही होने के कारण रात्रि के 12 बजे बीती रात्रि को न मना करके हम यहाँ उपस्थित हैं कि इस समय में, क्योंकि ज्ञानपीठ में हर साल ऐसा ही किया जाता है, पहली तारीख को हम सवेरे क्यों मनाते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति के आधार पर जो हमारा साल का पहला दिन है वो बैसाख महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का दिन हमारा साल का पहला दिन होता है, ठीक है, उसमें हम शुभकामनाएं देते हैं, शुभ संकल्प करते हैं। लेकिन आज भी तो हम उपस्थित हैं। आज सवेरे सवेरे एक माताजी ने हमें सवाल कर लिया कि भाई हम कहते हैं कि हम विक्रमी संवत, हमारा जो संवत है वो बैसाख में होता है और ये अंग्रेजी सन के अनुसार हम फिर इसको मनाते भी हैं, फिर कहते हैं कि हमारा उधर भी है। शुभ संकल्प और शुभ कामनाओं के लिए कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। शुभ संकल्प और शुभ कामनाएं खुद ही, ये स्वयं ही मुहूर्त को शुद्ध कर देने वाली चीज होती है। परंतु शुभ मुहूर्त पर जो शुभ कामना और शुभ संकल्प किया जाता है वो शुभ मुहूर्त के ऊपर 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए हम इस घड़ी पर उपस्थित हैं तो हम एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शुभ कामना और शुभ संकल्प उसके जीवन से कभी अलग न हो, ये हर हमेशा होते ही रहना चाहिए। महापुरुषों की जीवनी को आप पढ़ करके देख लीजिए, वो प्रत्येक सांस को बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं कि 24 घंटे के अंदर मैंने मन, वचन और कर्म से किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कोई अशुभ कार्य तो नहीं किया जो धर्म के विपरीत है, जो समाज के विपरीत है, जो देश के कानून के विपरीत है, कुछ ऐसा कार्य तो नहीं किया जो मेरे ऊपर एक कर्म का बोझ न बन जाए। यदि गलती बस हो गई तो उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि अपराधी को सजा दी जाती है, जेल में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है
और कुछ कार्य कराया जाता है उससे, या कुछ आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, किसी भी तरीके से उसको दंडित किया जाता है, तो वहाँ बैठ करके वो आत्मचिंतन करता है कि मैंने ये गलत कार्य किया था जो नहीं करना चाहिए था, यही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तो ऐसे प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य को हर समय, हर दिन कोशिश करनी चाहिए, परंतु शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में हम एकत्रित होकर के इस चीज़ का जश्न मनाते हैं और शुभ संकल्प करते हैं और सबके लिए शुभकामना करते हैं। हम स्वयं के लिए संकल्प करते हैं, अभी चौहान जी के द्वारा भी हमने श्रवण किया कि हम अपने दिन प्रतिदिन, साल प्रत्येक साल में हमने जो कुछ किया, पिछले बीते साल में हमने क्या कुछ किया, उसका सारा लेखा जोखा हिसाब किताब करने के बाद में हमें किस चीज़ का परित्याग करना चाहिए और कौन सी चीज़ हमारे अंदर कमी है जिसको लेने की आवश्यकता है और वो हमारे अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, उसका हम संकल्प कर लेते हैं कि नहीं अब हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये संसार है, संसार में हम निवास करते हैं, जिस भौतिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, भोग करते हैं, उसी समय से उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। जैसे हम भूमि का प्रयोग करते हैं लेकिन उसकी शुद्धि का भी कोई साधन है, वस्त्र का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी शुद्धि का साधन है। जैसे भूमि अपवित्र हो जाती है तो उसको पवित्र करने के लिए क्या किया जाता है, गोबर या मिट्टी के लेपन के द्वारा भूमि को शुद्ध किया जाता है। और अंतरिक्ष को कैसे शुद्ध करें, अंतरिक्ष की शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए कुछ ऐसे पदार्थों को अग्नि में हवन किया जाता है जिससे अंतरिक्ष की शुद्धि होती है। जो हमारा, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर की शुद्धि और वस्त्र की शुद्धि जल से की जाती है, लेकिन अंतस्करण अति सूक्ष्म पदार्थ है, अति सूक्ष्म चीज है, उसको कैसे शुद्ध करें, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा। तप क्या है, सत पर आचरण करना, सत का पालन करना और असत का परित्याग करना, इससे अंतरात्मा की यानी अंतस्करण की शुद्धि होती है। और स्वर्ण की शुद्धि होती है किससे, जवेरातों की शुद्धि होती है। जिस धातुओं को पिघलाया जा सकता है उसको अग्नि पर प्रवेश करा करके उसकी शुद्धि की जाती है, और नंगों और जवेरातों की शुद्धि होती है उसको तराशने से। और हमारी अंतरात्मा की शुद्धि कैसे होती है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि से ज्ञान की शुद्ध, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि ही तो मनुष्य को सही और गलत मार्ग पर निर्देशित करती है। यदि शुद्ध बुद्धि हो तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा निर्देशित व्यक्ति कभी गलत कार्यों को नहीं कर सकता। हालांकि हम इस संसार में रहते हैं, शरीर को धारण किए हुए हैं, तो आत्मा ने भी इस शरीर को धारण किया है, तो इसमें शरीर है, शरीर पृथ्वी पर स्थित है, तो हम धरती का भी प्रयोग कर रहे हैं, इस भूमि का भी प्रयोग कर रहे हैं और शरीर का भी प्रयोग कर रहे हैं। शरीर के लिए हमें अनेक प्रकार के भोजन इत्यादि वस्त्रों की भी जरूरत है, लेकिन आवश्यकता अलग चीज है और इच्छाओं की पूर्ति अलग चीज है। आवश्यकता की पूर्ति योगी भी करता है और भोगी भी करता है, लेकिन भोगी व्यक्ति को आवश्यकताओं की पूर्ति से उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वो अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, और इच्छा किसी की पूर्ण होती नहीं है, वो असीमित होती है। इसीलिए आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो कुछ भी संग्रह और भोग की जो लोलुपता हमारे अंदर है उसको त्यागना ही त्याग है, उसको त्याग करके सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास ही एक तपस्या है। तो ऐसे संकल्प आज के दिन में हम स्वयं के लिए करें, औरों के लिए भी करें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि वासुदैव कुटुंबकम, केवल हम अपने लिए ही संकल्प न करें, अपने लिए तो संकल्प करें, दूसरे के लिए संकल्प नहीं किया जा सकता है। दूसरों के लिए शुभकामनाएं दी जा सकती हैं कि राज्य करें, परमात्मा करें,
या ईश्वर करें, कोई भी इस प्रकार से जिस पर जिसकी निष्ठा हो, कहते हैं कि सबके लिए भलाई हो, मेरे मित्रों के लिए, मेरे परिवारजनों के लिए, मेरे आध्यात्मिक परिवार के लिए, मेरे इस धरती पर निवास करने वालों के लिए, संपूर्ण विश्व पर निवास करने वाले सभी प्राणियों का भला हो, सबके अंदर सद्बुद्धि आ जाए, सबके अंदर सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा, और सब सत की राह पर चलने की चेष्टा करें, ऐसे संकल्प किए जाते हैं। तो इस संकल्प के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि हर रोज़ मनुष्य के अंदर ऐसी संकल्प होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमें क्या सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक क्या कह रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, दुखी कोई भी ना हो, क्योंकि संसार में दुख है, चाहे किसी के पास भी है, वो अन्य तक भी पहुंच सकता है, और वही दुख सबके लिए दुख का कारण बन सकता है। जैसे कोरोना एक वायरस प्रकट हुआ कहीं से, चीन से, और संपूर्ण विश्व को इसने त्राही त्राही मचा दिया, वो भी तो एक पदार्थ ही था। ऐसे ही दुख एक पदार्थ है, यदि हम अपने अंदर से उसको निकाल सकते हैं, विश्व से उसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी निकाल सकते हैं, तो वो शुभ शुभ संकल्प और शुभ कामनाएं काफ़ी हद तक हम उससे पार पा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को हर समय ऐसा संकल्प करना चाहिए, और मैंने कहा शुभ मुहूर्त पर किया हुआ संकल्प तो उस शुभ मुहूर्त को चार चांद ही लगा देता है। इसीलिए सुंदर साहब जी सबसे इस शुभ घड़ी पर कि हम ये संकल्प करें, संपूर्ण विश्व के लिए भी करें और अपने लिए भी करें, और हमारा कुछ ये दायित्व बनता है कि जिस दिन हमने तारतम ज्ञान को ग्रहण किया सद्गुरु के चरणों में बैठ करके, उस समय हमने कुछ और भी संकल्प किया था, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार। इस अखंड निधि, अखंड का ज्ञान हम संध्या के समय में बैठ करके राज जी के सामने एक चौपाई गुनगुनाते हैं, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केली करत। जो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म के पास जो चीज़ नहीं है, जो निधि नहीं है, तारतम वाणी के बदौलत धाम धनी की कृपा से ब्रह्म आत्माओं को वो अखंड निधि मिली है, और वो अखंड निधि मैं अपने अंदर ग्रहण करूं, और सबको ग्रहण करवाने के लिए मन वचन कर्म से मुझसे जो भी सेवा बनती है, चाहे तन से हो, मन से हो, वचन से हो, धन से हो, चाहे संकल्प से हो, हम उसको पूर्ण करें। यही तो हमारी जागनी है, यही तो हमारी प्रतिज्ञा है, जागो और जगाओ। फरमान, फरमान का क्या तात्पर्य होता है, आदेश। धनी का आदेश ये है हमारे लिए कि हम इस जागृति के पथ पर चलें और औरों को भी जागृत कराएं, यही धनी का आदेश है। यदि हम अपने धनी का आदेश पालन करने के लिए संकल्प नहीं कर सकते, यदि हम धनी का आदेश पालन करने के लिए शुभकामनाएं नहीं कर सकते, और केवल संकल्प और शुभकामनाएं पर्याप्त नहीं होती, ये तो प्रथम चरण है। इसको अंजाम देने के लिए धनी ने एक चौपाई कहा जागनी के संदर्भ में कि मेरे प्यारे सुंदर साहब जी, आपने माया का तन धारण किया, आपने माया की भूमि का प्रयोग किया, उस भूमि पर रहने के लिए आपको मायावी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन उसको बहुत सावधानी के साथ आपको प्रयोग करना है। जैसे गोविंद भेड़ा का मंडल है, उसमें यदि आपने किसी भी वस्तु को उस बाजार में पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, अपना जैसा बना लेगा। तो इस संसार में बैठ करके हमें शरीर संसार और सब प्रकार के साधनों का प्रयोग भी करना है, लेकिन उससे जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए, माहे सुपन, ये धनी का हमें निर्देशन है। तो इसमें जागृत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा ने किसका संग किया, शरीर का संग किया। शरीर क्या है, माया का है, और माया में गुण अंग इंद्रियां है, अंतस्करण है, इसमें किसके गुण है, जन्म जन्म से माया के गुण इसमें भरे हुए हैं, क्योंकि इसकी पैदाइश ही वहाँ से हुई है। तो अब इससे मुक्त होने के लिए, इस जंजाल से मुक्त होने के लिए क्या करना,
क्योंकि माया ने इस शरीर को धारण कर लिया है। तो धनी ने एक चौपाई कहा है, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत है। हे साथियों, हे मेरे परमधाम की आत्माओं, हम यदि अपने अंतरात्मा को साफ नहीं कर सकते, शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते, तो अखंड में नहीं पहुंच सकते। कुछ सुंदर साथ का तर्क भी है, कहते हैं हमारी परातम मूल मिलाव में जब है तो हम स्वर्ग तो नहीं जा सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते और भविष्यों में नहीं जा सकते, हम परम धाम नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। हां, उनके लिए जवाब भी है। सदगुरु देव चंद्र जी शारीरिक और भौतिक रूप से बिहारी जी के पिता रहे और अलौकिक संबंध के, आत्मा के संबंध के नाते धनी और अर्धांगिनी का नाता रहा, लेकिन उन्होंने तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से, तारतम्य ज्ञान के सर्व से अपनी अंतरात्मा को, अपने अंतस्करण को शुद्ध और पवित्र न करने के कारण मन शरीर और इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण उनकी आत्मा जागृत नहीं हो सकी और उनको दोबारा से दूसरा तन धारण करके आत्मा की जागृति की आवश्यकता पड़ गई थी। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हम परमधाम से नाता रखते हैं, हमारी परात्म मूल मिलाव में है, लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश और धनी का प्रेम हृदय में नहीं है, सुंदर साथ के लिए सद्भावना नहीं है। हम प्रेम के स्वरूप बन करके अपने अंदर हृदय को साफ शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते, किसी के प्रति छल कपट राग द्वेष इत्यादि किसी भी प्रकार का मल विकार यदि है तो उस आत्मा के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई बंधन नहीं है। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए अब उपाय क्या है? मैंने बहुत सारी शुद्धियों के बारे में आपको कहा, भूमि शुद्ध के बारे में कहा, वातावरण को शुद्ध करने के लिए कहा और धातुओं को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा की शुद्धि के लिए, ठीक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा का बंधन अज्ञानता और स्वयं जीव के ऊपर बैठी होने के कारण जीव को उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। घोड़े के ऊपर बैठने वाला, सवार करने वाला जो व्यक्ति होगा तो उसको घोड़े की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सहयोग की आवश्यकता है। यदि वो सही दिशा पर नहीं चलता तो मंजिल से दूर कहीं भटक जाता है। इसी प्रकार से जीव आत्मा का स्वरूप परात्म है, शरीर परात्म है। आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वो जीव का शरीर है और जीव के पास उसके अपने गुण अंग इंद्रियां और अंतस्करण है, उस पर आत्मा सवार कर रही है, तो उसको भी जागृत होना पड़ेगा। इसीलिए धनी ने कहा, मेरे जीव सुहागी रे तू क्यों सूता इत, बिद बिद धनी ये जगाइया। अब देखिए, आत्मा को किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घड़ी और किसी भी काल में परातम के अंदर या मूल मिलाव के अंदर 25 पक्ष के अंदर प्रवेश करना नहीं है, ये सत्य है। मुक्त सुख इत होए सी पर पावे न धाम नह चल। उसको भविष्यों में सुख मिलेगा। फिर महामती जी जिसके अंदर स्वयं धाम धनी विराजमान है वो ये क्यों कह रही है कि मेरे जीव सुहागी रे। भाई कह देती भाई मेरी आत्मा तू सुहागन है, तू धनी को याद कर, जीव कहीं भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन कह रही मेरा जीव सुहागी, आत्मा तेरे अंदर बैठ जाने से तुझे भी आत्मा की शोभा मिली है, तुझे भी सुहागिन होकर के धनी को रिझाने की सौभाग्य प्राप्त है, इसीलिए तू भी सुहागी है। तू अब जीव भाव से नहीं रिझाता धनी को, किस भाव से रिझाता है? सवेरे उठ करके हाथ जोड़ करके अपने अंतरात्मा से क्या कहता है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। यही कारण है कि ब्रह्म सृष्टियों का जीव सत्स्वरूप के पहली भविष्य में जा करके
ब्रह्मश्रेष्ठियों की शोभा को धारण करेगा और 25 पक्ष परमधाम की लीला और धनी जो ब्रह्मश्रेष्ठियों के साथ परमधाम की लीला करते हैं उस लीला का वह संपादन होगा। केवल इसी कारण से और कलश और किरंतन की वाणी में भी एक एक चौपाई इस प्रकार की है, जीव टल होसी आत्मा आत्म, जीव की कैसे आत्मा स्वरूप को धारण करेगा, जीव के अंदर ये भावना समाप्त तो हो जाए कि मैं शरीर मन अंतस्करण इंद्रियों से परे हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध एक धनी की अर्धांगिनी स्वरूपा हूँ और मैं भी एक आत्मा स्वरूप हूँ, वो अपने जीव भाव को ही समाप्त कर दें और आत्मा के भाव से धनी के चरणों में आजीवन धनी के प्रेम में डूब जाए, तो यही कारण है उसको सत्स्वरूप का पहला भविष्य प्राप्त होगा जो अक्षर की पंचवासनाओं को भी नसीब नहीं था, ईश्वरीय सृष्टियों को भी ईश्वरीय सृष्टि के जीव को भी जो नसीब नहीं था जो दूसरी भविष्य में चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के संगति में रहने से उस जीव को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये क्यों, ये सब तारतम ज्ञान के बदौलत है। हर हमेशा हम वाणी का पठन करते हैं लेकिन पठन करना और मंथन करने में काफ़ी अंतर होता है। पढ़ते हैं हम एक तरफा पढ़ते चले जाते हैं लेकिन जब मंथन करते हैं तो पता चलता है कि ये ब्रह्मवाणी की क्या महिमा है। महामती जी के अंदर जब ब्रह्मवाणी आ गई तो इस ब्रह्मवाणी ने क्या कर दिया, महामती कहती कि मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी भई अक्षर। महामती जी के अंदर परमधाम की तारतम वाणी का अवतरण हो जाने से 25 पक्ष की लीला और 25 पक्ष की शोभा सहित युगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का भी वर्णन हुआ। जो ज्ञान महामती जी के हृदय में प्रकट हुआ उसकी संगति में आने से अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी बढ़ गई। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी भई अक्षर, तारतम ए सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। ये सब कुछ अक्षर ब्रह्म को भी कैसे पता चला, तारतम ज्ञान के द्वारा, और वही तारतम ज्ञान हमें प्राप्त है। कितना बड़ा सौभाग्य है। सारी सृष्टि का मूल्य आंकलन किया जाए और इतना मूल्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पित करके उनसे ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा की जाए तो जिसके पास यदि अखंड का ज्ञान नहीं है, तारतम वाणी का प्रकाश नहीं है, तो यही कह देंगे तुम निराकार ब्रह्म की भक्ति करो या साकार रूप में प्रकट होकर के जो लीला करते हैं उनकी उपासना करो। आपको ये नहीं कहेंगे कि श्रीराज श्री ठाकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय। आपको ये नहीं कहेंगे ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। आपको ये नहीं कहेंगे मूल स्वरूप जो अपनो जाको कहिए परातम, सो परातम लेके बिलसिय संग खसम। ये यदि कोई कहता है तो महामती कहे सुनो साथ, खोल बाणी देखो श्री प्राणनाथ। और प्राणनाथ जी कौन है ये तीसरे चरण में स्पष्ट किया है, जिन्होंने ये वाणी लेकर के आए, धनी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे धनी के चरण कमल कभी अलग नहीं हो सकते और हम उनसे न्यारे नहीं हो सकते, हम जागनी के पथ पर चल सकते हैं क्योंकि ये जागनी का ब्रह्मांड है, ये जागनी का मार्ग है। तो जागनी के मार्ग पर यदि हम अपनी अंतरात्मा को जागृत नहीं कर पाते, ऐसे शुभ घड़ी पर हम शुभ संकल्प नहीं कर सकते और उस पर आचरण नहीं कर सकते, तो जिस प्रकार से हमारी मुट्ठी से रेत फिसलती जाती है और अंजलि का पानी जिस प्रकार से एक एक बूंद करके टपक करके वो खाली हो जाती है, उसी प्रकार से कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, साल प्रतिसाल दूसरा नंबर चढ़ता जाएगा और हमारे दिन प्रतिदिन साल इस प्रकार से सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन हमारी अंतरात्मा और हमारे जो अध्यात्म
की जो मंजिल है उसी प्रकार से दूर रह जाएगी, और दूर देखते ही देखते एक दिन ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और प्राण पखेरु उड़ करके जाते जाते अंतरात्मा ये पुकार करती है कि हे जीव, तूने सब कुछ प्राप्त किया, कराया सारा खो दिया, तूने मानव जीवन प्राप्त किया, तूने सद्गुरु को प्राप्त किया, तूने ब्रह्मवाणी को प्राप्त किया, सद्गुरु के और प्राणनाथ जी के बताए मार्ग पर आकर के भी तुम अपनी आत्मा साक्षात्कार और आत्म जागनी से तुम अभी भी दूर रहे, तुम बड़े दुर्भाग्यशाली रहे। इन्हीं शुभ संकल्प और शुभकामनाओं के साथ में नामधनी कृपा करें सभी सुंदर साथ को, देश विदेश के और मौजूद समय में जो सुंदर साथ हैं सबके लिए धाम धनी की कृपा बरसती रहे, सब धाम धनी की कृपा के पात्र बन सकें और हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं और अपने संकल्पों को, अपने दायित्व को निभाने के लिए हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ उस विषय पर चिंतन करें और कार्यशील बनने के लिए संकल्प करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सबको नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ में, यदि मन वचन कर्म स्वभाव किसी भी प्रकार से बीते साल में किसी सुंदर साथ को कोई ठेस पहुंची हो तो हम तय दिल से सभी सुंदर साथ से क्षमा प्रार्थी और धामधनी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि धामधनी हमारे अंतस्करण को शुद्ध पवित्र रखने के लिए हमें सतमार्ग पर हमेशा प्रेरित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको सप्रेम प्रणाम।